माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। इनकी पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पर्वत की पुत्री और इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत सुकूनदायक और सौम्य है, जो भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संचार करती है। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है। इनका यह स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिमय होता है। माँ शैलपुत्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इनकी पूजा करने से भक्तों को दृढ़ निश्चय साहस और समर्पण की शक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म में नाम सती था। सती भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में सती ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। उनकी पूजा के लिए सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है और फिर माँ के इस रूप की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए पूजा में सफ़ेद वस्त्र और फूलों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की आराधना नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से की जाती है, जो हमें आत्मशक्ति और संकल्प की प्रेरणा देती है।